सपा बसपा कांग्रेस सरकार एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई साहब। चुनाव के पहले इन तीनों पार्टी के मुखिया दलित प्रेमी, ब्राह्मण प्रेमी, निषाद प्रेमी, जाट प्रेमी बड़ी बेशर्मी से बन जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे ये बुआ बबुआ और पप्पू की पार्टी ने अपनी सरकार में निषाद समाज के लोगों को अपनी घटिया राजनीति का मोहरा बनाया था। दरअसल सत्ता में आने से पहले सपा ने निषाद समाज को आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन 2012 में जैसे ही अखिलेश बबुआ सत्ता में आए तो उनके तेवर ही बदल गए। जी हां, सपा कार्यकाल में निषादों को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने सपा बसपा और कांग्रेस की पोल पट्टी खोलते हुए अगस्त 2021 में बताया था कि कैसे तीनों पार्टियों ने निषाद समाज के दम पर पार्टी बनाई थी और उनको चाय में पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर दिया था। वहीं 2009 में बसपा सरकार ने मछुआ आरक्षण प्रस्ताव वापस मंगवा लिया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने निषाद समाज के आरक्षण संबंधी फाइल गायब करवा दी थी। तो देखा आपने कैसे सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में लोगों की हित की बातें और वादे हवा में उड़ा दिए थे। इसलिए झूठ, धोखा और फरेब की नींव पर खड़ी इन तीनों पार्टी को अब यूपी की जनता ने धूल में न मिला दिया तो कहना।